हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समूह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल समूह के लॉस को। तो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें दिखाया था कि हमारे सोनू भैया के चैनल पर 4500 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है और 100 बाकी था सब्सक्राइबर, वो भी कंप्लीट हो गया अभी जल्दी। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब इन्होंने अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए तो उनका जो होता है एक्सेप्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों फेल्ड बता दिया, बोला 24 घंटे के बाद हम आपको चैनल को चेक करेंगे, उसके बाद आपका जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो जाएगा, यानी कि पिन वगैरह आ जाएगा, एडसेंस वगैरह। बट यार, जब 24 घंटे के बाद हुआ तो वह ये कि भैया इनका जो वॉच टाइम था वो घटकर 800 आ गया है ना भैया, 4500 कितना वॉच टाइम था, 5500 हो गया था ना, 5000 हो गया था। और आपको लगता हुआ कि हम सब झूठ बोल रहे हैं, तो आपके पास स्क्रीन शॉट है ना, इनके चैनल का स्क्रीन शॉट है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, दिखा दूंगा, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, आप उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और ऐसा क्यों यार, मतलब कुछ बता सकते हो? पता नहीं क्यों। आपने किया था आवेदन? किसने किया था आवेदन? तो मैंने किया था, बट उसने बोला कि 24 घंटे के बाद आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगा, बट पता नहीं क्यों बोला 24 घंटे बाद, उसके बाद 36 घंटा बताने लगा, फिर 800 घंटा वॉचिंग टाइम ही घट गया पूरा। और दोस्तों, मैंने जब इनके चैनल को देखा तो वो ये बता रहा है कि आप एक वीडियो बनाकर कुछ बताइए, समझाइए, अगर हमसे गलती हुई होगी तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, या फिर आप एक महीना या के बाद फिर से अप्लाई कीजिए। तो समझ में नहीं आ रहा यार कि हो क्या रहा है यूट्यूब की तरफ से, मतलब यार कोई इतना मेहनत करके मतलब वीडियो बनाता है, अपलोड करता है, और वीडियो वायरल हो गई तो भैया व्यूज आ गया और वॉच टाइम आ गया, तो मतलब यार अजब हाल है, समझ में नहीं आ रहा यूट्यूब आखिर कर क्या रहा है। मुझे तो भाई बहुत रोना आ रहा है, क्या बताएं यार, इतना मेहनत करने के बावजूद भी मोनेटाइजेशन नहीं हुआ, हमने दो महीना कंटिन्यू दिन रात एक कर दिया था, इतना मेहनत किया था। बट ये तो बात है यार कि आप यार सक्सेस मिलकर भी मतलब इनका जो वॉच टाइम है वो इतना कट गया। तो भैया ने अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमको बुलाया है, बट मुझे भी यार ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, क्योंकि हमारे चैनल पर भी ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ किसी यूट्यूबर को दिखाऊँ, बट यार उसके चैनल पर भी ऐसा कुछ नहीं है, और सोच रहा हूँ कि किसको दिखाऊँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनका जो चैनल है वो रिव्यूज़ कंटेंट में आ गया होगा। तो बताइए कि आपने कुछ फ्रॉड तरीका तो नहीं अपनाया, मतलब जैसे कि आपने खुद वीडियो को तो नहीं देखा है? नहीं यार, हमने कुछ नहीं किया था ऐसा, अपनी ही आईडी से या फिर अपने ही मोबाइल से अपना वीडियो नहीं देखा ना? नहीं नहीं। और क्या हो सकता है यार, व्हाट्सएप पर तो शेयर कर सकते हैं, अपनी वीडियो को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्या होता है यार। और आपने कहीं मतलब अपने चैनल को प्रमोट तो नहीं कराया है, मतलब किसी फ्रॉड तरीके से, कोई वेबसाइट वगैरह से? नहीं यार, मैं इस सबसे बहुत ही दूर रहता हूँ, क्योंकि मैंने दिन रात एक कर दिया, दो महीने इतना मेहनत किया है, बट यार मैं तो किसी से तो कराया नहीं, बट पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया ना, वेबसाइट वगैरह कुछ यूज नहीं किया ना? नहीं, कुछ कोई नहीं, फ्रॉड तरीका कोई नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं किया यार। तो सोनू भाई, ये बताइए कि आपने कोई क्लिप यूज तो नहीं किया ऐसे किसी का वीडियो वगैरह, ऐसा कुछ? नहीं यार, पहले तो छोटा मोटा तो कॉपीराइट क्लेम आया है, कभी कॉपीराइट आ जाता था पर मैं उसको हटा देता था, बट हाँ ऐसा लग रहा है शायद हमने एक वीडियो मतलब डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाला था दूसरे का। मतलब कौन सा वीडियो था यार, बताइए हमको डीपली, बताइए कौन सा वीडियो है, मतलब वो मतलब क्लिप यूज किया है, क्या यूज किया है, मीम्स वगैरह? मीम्स नहीं, मतलब वो मतलब पूरा कव्वाली है, पूरा कव्वाली एक वीडियो, मतलब एक वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर दिया, पूरा वीडियो अपलोड कर दिया, पूरा वीडियो, मतलब छोटा सा था, मुझे तो ऐसा नहीं, पहले मैंने वीडियो डाला उसके बाद में एक वायरल हो गया था, हमने सोचा। अच्छा, कौन सी वीडियो है वो कव्वाली वाला, कौन सी वीडियो है जो वायरल हुआ? वही तो नहीं? हाँ वही है यार। वाह यार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था यार भाई, मतलब यूट्यूब का वीडियो आपने अपलोड कर दिया और फिर भी यार। तो देखिए गाइस, मुझे भी नहीं पता था यार कि इन्होंने क्लिप यूज किया है, मुझे तो लगता है कि यार कुछ मिसयूज हो गया होगा यूट्यूब से, बस ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी यार कि दूसरे का वीडियो अपलोड कर दिया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। और यार मैं आपको भी ऐसा सजेस्ट करूँगा कि ऐसे वीडियो अपलोड ना करें यार, कि ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। आपको पता था ना कि दूसरे का वीडियो नहीं यूज करना चाहिए, फिर भी आपने ऐसा? नहीं, मुझे तो नहीं पता था, कुछ उस टाइम नहीं पता था, उस टाइम तो नहीं पता था, जब ये अभी 2-3 दिन से पहले मालूम हुआ। अच्छा, और इनके भाई साहब न्यू थे तो इनको नहीं पता था कि दूसरे का वीडियो नहीं यूज करना चाहिए। बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मुझे 5000 घंटा मेरा कंप्लीट हो गया था वॉचिंग टाइम, बट पूरा घटकर एकदम 800 हो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी भी हो रही है और
तो जैसे कि लोग जो ऐसा करना चाहते हैं, दूसरे की वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं, उनके बारे में आपको क्या कहना चाहिए? देखिएगा भाई, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो है दूसरों का वीडियो नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों का वीडियो अपलोड कर दोगे तो आपको खुशी तो उस समय बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वायरल हो जाएगा और व्यूज भी अच्छा आएंगे। बट जब आप मोनेटाइजेशन करोगे तो अप्लाई करोगे तो रिजेक्ट कर देगा और उसके बाद में आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिसे आप इतना दुख हो जाएगा क्या बताएं भाई। मेरे तरह आप एकदम से मेरे तरह हो जाओगे आप। जिसका आप क्लिप यूज करोगे तो वो आपको स्ट्राइक नहीं देगा, लेकिन यूट्यूब भैया जिंदा है, ठीक है, तो वो आपका बाप है तो वो आपको कॉपीराइट क्या, स्ट्राइक, टर्मिनेट, रिव्यूज कंटेंट, पता नहीं क्या क्या दे सकता है और आपका जो चैनल है वो भ्रष्ट कर सकता है। तो कृपया करके हाथ जोड़ से विनती है, जो ऐसा वीडियो बनाना चाहते हैं वो इस तरह से अगर गलती हो गई हो तो उसको डिलीट कर दें और यही आपके लिए बेटर रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देना चाहिए, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।